अस्सलामु अलैकुम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। एक तो ये गंद बड़ा बुरा लगता है मुझे, यहाँ पे ये टॉवल और एक कपड़ा सा फालतू पड़ा हुआ, खैर इसको फेंक देते हैं। अच्छा जनाब, वेलकम टू एयर एसएमआर चैनल। मैंने कहा हैप्पी लाइफ ब्लॉग पे तो चलो मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स दे देते हैं, साथ आपको बता देते हैं। अच्छा ये देखें, ये न्यू टेक्सचर मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये देखें इसका कलर ठीक है और इसका कलर, ये न्यू है ना तो इसलिए इसका कलर ज़्यादा प्यारा रिच कलर है। और ये देखें इसका कलर लाइट हो गया ठीक है। ये हमारा टेक्सचर हो जाएगा मल्टी स्टोन्स वाला, फुल स्टोनी मल्टी स्टोन्स वाला सैंड ठीक है, रेड डर्ट या रेड सैंड कह लें। मैंने इसको बड़े अच्छे से क्रश किया था ये वाले टेक्सचर को। और मैं मोटा मोटा आपको दस दूँ, ये सारे शेप्स आज, मतलब कि ये शेप्स आज बनी है, वो शेप्स आज बनी है, ये सारे टेक्सचर्स हो गए। ये ब्रिक्स उठा के मैंने पीछे लेके जानी है, ये भी अभी मैंने बनाया है ठीक है। ये मैंने खुद ने आज बड़ा ही काम किया है, फिर वो शेप्स सारी मिल के, मतलब कि इतना तंग किया ना उस शेप्स ने। मामा कहती थी वो बहुत ईजी है, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें कोई लिक्विड नहीं है, बहुत मुश्किल से वो शेप्स बनी हैं जॉइंट ठीक है। उसके बाद ये भी जॉइंट शेप्स बनाई हैं, ये पेस्ट बनाया, वो पेस्ट बनाया, वो पेस्ट बनाया, यहाँ से जगह साफ़ की। अब यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि फिर शाम हो जानी है और वीडियो तो कोई नहीं आज बनी, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे डर था कि यार वीडियोज़ तो चलो बाद में बन जाएंगी, पहले मैं टेक्स्चर समेट लूँ ठीक है। तो हम कर लेते हैं आप लोगों के सामने गोल्डन सैंड की क्रमलिंग, वाटर क्रमलिंग ठीक है। ये देखें ये इसके ऊपर कितना गंदा गंदा पानी आ रहा है, इट्स मीन कि ये इस पर डस्ट पड़ रही है। मैं ना सारे टेक्सचर्स को ना अरेंज कर रही हूँ उनकी जगह पर, अलग अलग रख रही हूँ ताकि वो सही रहे। मस्जिदों में पढ़ाई हो रही है, अभी इफ्तारी में टाइम है, मे बी 10-15 मिनट है। ये बेचारा बारिश की वजह से सारा तबाह हो गया, स्लैब्स इसकी सारी ख़राब हो गई। ये देखें इसके चंक्स कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं अगेन चंक्स ही बनाऊंगी, वाटर क्रमलिंग कर दूंगी ना तो टब को ऐसे ही रहने दूंगी। मैं ना बैठने के लिए कुछ लेकर आऊँ, इधर ही आ जाए आप लोग, मुझे खुद नहीं नज़र आ रहा होता क्रबलिंग कैसी आ रही है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा मेरा हाथ बाजू देखे कितना बुरा जला हुआ है, ये देखें इसको मैं कवर ही कर दूं, पर ये ना दर्द करता है। क्लीनिंग व्लॉग भी सोचा था लेकिन आज ये टेक्सचर्स ही समेटे हैं बड़ी मुश्किल से। अब क्लीनिंग व्लॉग जो है ना मंडे या सैटरडे को आके बना लूँगी क्योंकि कल मैं नहीं आ सकूँगी, कल फ्राइडे और मुझे जाना है कहीं, पता नहीं ये व्लॉग भी कल ना अपलोड हो, पता नहीं अब मुझे। ऐसे होता है मेरे साथ बाज़ दफ़ा, व्लॉग बहुत मुश्किल से अपलोड हो रहा होता है। खैर जब भी होगा ना मैं अपलोड कर दूँगी, बेशक रात के 10 बजे ही हो, ये पार्ट वन तो हो ना। Who want water crumbling? कमेंट करके बताएं। कल जुम्मा है जनाब, आप सभी ने मेरे लिए दुआ करनी है बहुत सारी ठीक है। मस्जिदों में ना पढ़ाई हो रही है, अभी अफ्तारी से पहले ऐसे होता है, पढ़ाई होती है फिर जाके अजान हो जाती है। पोरिंग करूं
अब आप सामने चले जाएं। अच्छा जनाब, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब हम दूसरे टेक्सचर को क्रम्बल कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने टप में रखा है। मैं अब नीचे कोई खलारा नहीं डालना, सारे टेक्सचर जो है ना, मैंने अभी जो जो मैंने अभी करने हैं ना, लाइक क्रम्बलिंग, मैंने उनको समेट लिया है। मम्मा एक्सपर्ट है इनकी शेप्स बनाने में। ये टेक्सचर मुझसे नहीं बना, बन गया लेकिन मुझसे वैसा नहीं बना। मैंने सोचा था इस टाइम वीडियोस बना लूँगी, लेकिन इस टाइम मस्जिद में पढ़ाई हो रही है। अभी 4 दिन ओल्ड वीडियोस देख लें और साथ व्लॉग्स न्यू दे दूँगी। ठीक है, और उसके अलावा मैंने एक और काम करना था, वो भी मैं आप लोगों के साथ ही कर लेती हूँ। ओ माय गॉड, थोड़ी सी क्लीनिंग करके दिखा दूँ आप लोगों को? नहीं, क्लीनिंग फिर एक दफ़ा करूँगी सही से। देखिए ये ना, मम्मा ने पानी डाल के ना छोड़ दिया, तो उसके जो जो लम्स टाइप बन गए वो ड्राई हो गए हैं। धूप बहुत तेज थी आज भी। ये हम इसमें डाल देते हैं, इस पर लिक्विड टाइप ही है। थोड़े से चंक्स की क्रम्बलिंग करते हैं, ताकि क्रम्बलिंग जो है ना आप लोग देखें। वाओ, मज़ा आया ना आपको?
इफ्तारी का टाइम हो गया जनाब, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं जैसे मैं ना फ़ौरन से ना बस इफ्तार करके ना तो आती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फ़ी मानिल्लाह।